हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। इस समय छत्रपति और IB71 के साथ एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स। चाइना का सम्राट मैं ही बनूंगा। ये चुड़ैल दिमाग का दही कर रही है। बेसिकली ये फ्रेंच कैरेक्टर्स हैं। एस्ट्रिक्स हम सभी को पता है कि एक फ्रेंच एनिमेशन का कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, और उसी पर बनी है ये फिल्म। एक सीरीज बनी है एस्ट्रिक्स की, काफ़ी सारी सीरीजेस है उसकी। ये नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट जिसको कहे सिक्वल है। ये कहानी है चाइना की राजकुमारी, एक वहाँ पर रानी है और साथ वहाँ पर प्रांत बटे हुए हैं। सारे चाहते हैं कि किसी तरह से वो राजा बन जाए, और रानी जो राजकुमारी है उसको बचाना चाहती, उससे बहुत प्यार करना चाहती, लेकिन वो राजकुमारी किसी भी तरह से राजकुमारी को बाहर नहीं निकलने देती उसकी सुरक्षा के कारण, और उस कारण राजकुमारी बहुत फ्रस्ट्रेट है। इधर गॉल जो है वहाँ पर एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स रहते हैं, और इन गॉल लोगों में बड़ी कमाल का एक वो एक ड्रिंक है जिसको जादुई औषधि कहते हैं। वो पीने के बाद उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है, इसलिए रोमन भी उनसे घबराते हैं। जूलियस सीजर के लोग कब्जा कर चुके हैं आसपास, लेकिन गॉल पे वो कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि गॉल के लोगों में कुछ सुपर नेशनल पावर है ऐसा वो मानते हैं, तो वो गॉल की तरफ जाते भी नहीं है। अब वहाँ पे राजकुमारी और रानी किसी तरह से बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए। वहाँ पर गॉल का एक बंदा है, वो उनको अलग अलग चीज़ें दिखाता है, और इन द मीनवाइल जो दुष्ट राजकुमार है वो इन पे अटैक कर देता है, और किसी तरह से राजकुमारी गॉल के एक कैरेक्टर के साथ उसको वहाँ से निकाल देती है, और दूसरे उसके मामा के साथ राजकुमारी रानी और उस गॉल के लड़के का मामा अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये पहुँचते हैं गॉल, और ऑब्लिक्स और एस्ट्रिक्स उसकी मदद करने का आश्वासन देते हैं, और ये पहुँचते हैं चाइना। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चिंता मत कीजिएगा राजकुमारी, हम आपको बचाएंगे। और यही कहानी है एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स इन मिडिल किंगडम की। ये एक परिकथा जैसी फिल्म है, जिस तरह से इसको जो एक्टिंग की है एस्ट्रिक्स बने गिलायम गनेट जिन्होंने खुद ही डायरेक्ट की है, ऑब्लिक्स बने गाइल्स लेलोच, जूलियस सीजर बने विंसेंट कैसेन, क्लियोपेट्रा बनी है मेरियन कोटिलार्ड, राजकुमारी जूली चैन, एपिडेमिक्स बने रेमजी बेदिया, देन टॉनहॉन बनी लिया चिया। इन सारे कलाकारों ने जो परफॉर्मेंस दिया है उफ, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस सभी लोगों का। और जिस तरह से गिलायुम ने इसको डिज़ाइन किया है इस फिल्म को ना, आपको लगता है आप सपने में हैं। ग्रैंड विजुअल और सब सपने जैसा चल रहा है, इसमें कोई लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक सीन आपको मैं बताता हूँ, जूलियस सीजर अपने दरबार में बैठा हुआ है, उसका मंत्री आता है, बोलता है सीजर अब आपको रोम के बाहर कोई नहीं पहचानता। जूलियस बोलता मैंने दुनिया जीती है, मुझे बोले कोई नहीं जानता आपको। क्लियोपेट्रा उधर से हंसती है अंदर से, तुमको कोई नहीं जानता है, और मैंने तुमको कहा मैं इससे प्यार करती हूँ, ये इंटरनेशनल एथलीट है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, इसको लोग इंटरनेशनली तो जानते हैं। और जूलियस सीजर बोलता है मुझे कोई नहीं जानता, इसको सब जानते हैं। इस तरह के इलॉजिकल से फंडे, इलॉजिकल वो है, लेकिन वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ किए हुए हैं। आपको ये फिल्म देखकर, हालांकि बच्चे तो मजाक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अगर सपनों में जीना चाहते हैं, अगर आपको एक अलग ही दुनिया, परियों की दुनिया पसंद है, इसमें फाइटिंग भी उतनी ही कमाल की है, इसमें कॉमेडी भी कमाल की है, इसमें विजुअल ट्रीट है, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स इन मिडिल किंगडम आपको जरूर देखना चाहिए। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। क्यों जल्दी क्यों उठना है मेरे भाई? हाँ सुबह क्या लंगर बैठने वाला है, बड़ा आया बोलने वाला। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।